तो चाहे तो अल्लाह दुनिया में गरीब रखे ही नहीं और इम्तिहान हो ही नहीं। कुरान तो यहां तक कहता है अगर हम चाहें तो सबको जबरदस्ती हिदायत देके जन्नत में ले जाएं। हम तो ये भी कर सकते हैं, अल्लाह को शौक थोड़ी है लोगों को जहन्नम में डालने का, लेकिन अल्लाह का एक निजाम है कि जन्नत में वो जाएगा जो इम्तिहान में पूरा उतरेगा, जो नाकाम होगा उसके लिए जहन्नम की आग है, अगरचे अल्लाह उस आग पे खुश नहीं होता। तभी तो कुरान कहता है मा यफअलुल्लाहु बिअज़ाबिकुम, अल्लाह तुम्हें अज़ाब देके क्या करेगा, उसको कोई खुशी थोड़ी होती है। इन शकरतुम व आमनतुम, बशर्ते कि तुम शुक्र करो और ईमान लेकर आओ। तुम शुक्र करो ईमान ले आओ तो क्या जरूरत है अल्लाह को अजाब देने की। अल्लाह अपने बंदों को अजाब देकर खुश नहीं होता। तो हदीस में आता है कयामत के दिन ऐलान होगा, कहां हैं वो लोग जब मैं भूखा था तो उन्होंने मुझे खिलाया। देखो मैं पैसा खर्च करने पर ज्यादा फोकस करता हूं अपने बयानात में, बदनी इबादत को मैं आम तौर पे ज्यादा फोकस नहीं करता। बदनी इबादत करने वाले मार्केट में होलसेल के हिसाब से मिलेंगे। दिल में दौलत की मोहब्बत निकल जाए ऐसे आपको मुआशरे में आटे में नमक के बराबर मिलेंगे। ये जो दौलत है ना पैसा, आज इसको लोगों ने खुदा बना लिया है। तभी चेहरों की रौनकें खत्म हो गई, हर वक्त गरीब गरीब बना फिर रहा होगा, पैसे ही नहीं है, पैसे ही, जब भी बात पैसे ही नहीं है यार, गुजारा ही नहीं हो रहा, पैसे ही नहीं है, गुजारा ही नहीं हो रहा, यही रोना है मुंह से पता नहीं क्या अजीब। खुश रहा करो भाई, बोलो यार बनता तो एक पराठा था दो खा लिया हमने, ठीक है ना, बनता तो एक भी नहीं है। जो नेचुरल खुराक है ना इंसान की दो टाइम है, ये पराठे तो सुबह सुबह, ये तो ग्रेवी है, अल्लाह ग्रेवियां भी खिला रहा है फिर भी कहते हैं पैसे ही नहीं है, किराए के घर में रह रहा हूं, वो ये वही मुंह से बरसता रहेगा। इनको किसी वजीफों से सुकून नहीं मिलने वाला, ये फिर सुकून के लिए जाते हैं वजीफे बताओ। और तुम्हारे अंदर जो दुनिया की मोहब्बत के गटर उबल रहे हैं ना पैसा, तो तुमने, हिंदू तो पत्थर के बने हुए बुत की इबादत करता है, आपने उन बुतों को दिल के अंदर दाखिल कर दिया है, यहां से निकालो। और ये जब तक रोकड़ा खर्च नहीं करोगे निकलेगा नहीं है, ये बता दूं, इसके लिए रोकड़ा खर्च करना जरूर, जबानी तकरीरों से नहीं होगा, नोटों की गड़ियां निकाल निकाल के हदीया दिया करो भाई को बहन को और सदका खैरात किया करो। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे बेहतरीन सदका वो है तामुलुल गिना व तख्शल फकर, कि तुम्हें डर हो कि सदका किया तो कहीं गुर्बत ना आ जाए, और नहीं किया तो पैसा बना लूंगा मजीद। इस मिली जुली कंडीशन में जो पैसा निकलेगा इस पे क्या मिलेगा आपको, सवाब।